अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज की वीडियो का जो स्टार्ट है वो मैंने रात के तकरीबन 6 बजे से लिया है और हम लोग जा रहे हैं वाशिंगटन से सैन फ्रांसिस्को, वो भी बाय रोड। और इस ट्रिप के लिए जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो ये अमेरिका में मेरा फर्स्ट लॉन्ग रोड ट्रिप है और दूसरा जो है हम पूरी फैमिली एक साथ जा रहे हैं। और गूगल मैप के हिसाब से तो ये 14 आवर्स जो है हमें ड्राइव बता रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है हमें तकरीबन 15 या 15 एंड हाफ आवर्स जो है वो लग जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है कि हम एवरी 2 या 2 एंड हाफ आवर्स की ड्राइव के बाद किसी भी जो है रेस्ट एरिया या गैस स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, और अगर किसी को वहाँ पर कॉफ़ी लेना हो या हल्का फुल्का जो है स्नैक्स करना हो और या रेस्ट रूम यूज़ करना हो तो वो कर ले। और वैसे भी गाड़ी में मुस्तकिल बैठ कर जो है वो बंदा थक जाता है, तो ब्रेक लेना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, ये जो है हमारे 2 दिन का ट्रिप है और आज जुमेरात है और कल इंशाल्लाह हम जुम्मे की सुबह जो है वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ रोड ही शेयर नहीं करूंगी, बल्कि मैं आप लोगों को जो है होटल रूम टूर भी दूंगी कि हम लोगों ने किस होटल में स्टे किया है, और साथ साथ में आप लोगों को मैं सैन फ्रांसिस्को की जो डाउन टाउन की लाइफ है वो भी शेयर करूँगी। तो साथ रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ पहले जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। और अभी जो है हम ओरिगन पहुंच गए हैं और यहाँ गैस स्टेशन पर हम रुके थे क्योंकि हमें गाड़ी का भी पेट भरना था, और यहाँ से हमने अपने लिए जो है गरम गरम कॉफ़ी ली और साथ में स्नैक्स लिया। और वैसे रात का जो खाना था वो हम खा के निकले थे, तो ये चेक करें कि हमारी मानो बिल्ली भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जो है ट्रैवल कर रही है। पहले हमने सोचा कि हम इसको किसी पेट डे केयर में इसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि इसको भी साथ ले जाते हैं क्योंकि हम इसे और ये हमें बाद में मिस करेगी। तो सारी रात ड्राइविंग करने के बाद हम लोग फाइनली सैन फ्रांसिस्को में इंटर हो चुके हैं और अभी सुबह सुबह का टाइम है और सूरज को इतने दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वाशिंगटन में तो सूरज को देखना कम ही नसीब होता है और हमारे लिए तो ये एक नायाब सी चीज़ बन गई है वहाँ पर। और दूसरा, पहाड़ों से निकल कर एकदम से प्लेन एरिए में आना भी हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और दूर दूर तक ज़मीन ही ज़मीन नज़र आ रही थी, तो इन सारी चेंजिंग्स को हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अच्छा, हमारा जो होटल है वो हमने सैन फ्रांसिस्को के डाउनटाउन में ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, तो अभी हम सबसे पहले जो है होटल जाएंगे और वहाँ पर नाश्ता करेंगे। और चूंकि हम सारी रात के जागे हुए हैं तो वहाँ पर पहले हम थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को सैन फ्रांसिस्को का जो डाउनटाउन है वहाँ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ दिखाऊँगी। तो साथ रहिएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो जी, 15 आवर्स की ड्राइव के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और अभी मैं और मेरा बेटा जो है वो होटल जा रहे हैं। और ये हैंडलरी होटल है जिसमें हम लोगों का 2 दिन का स्टे है, तो जब तक हस्बैंड गाड़ी पार करते हैं तो हम लोग रिसेप्शन से अपने रूम नंबर्स कंफर्म कर लेते हैं और साथ में अगर कुछ और ज़रूरी पेपर भी अगर उन्होंने साइन करवाना हो तो वो कर लेते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को क्विक सा रूम का एक टूर करा देती हूँ इससे पहले कि इसकी हालत ख़राब हो जाए। तो इसमें 2 क्वीन साइज़ के बेड हैं और सामने टेबल चेयर है और टीवी स्क्रीन भी है, और यहाँ से जो है विंडो से डाउनटाउन स्ट्रीट का व्यू भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और इसके साथ जो है छोटी सी कॉफ़ी स्टेशन भी रखी हुई है। और यहाँ बाथरूम में इंटर होने से पहले एक ड्रेसर है अगर किसी ने शीशे के सामने तैयार होना है, तो ये भी काफ़ी स्पेशियस जगह है। और ये छोटी सी वॉक इन क्लोज़ेट है, इसके अंदर इस्त्री है, टेबल है और साथ में लॉकर है अगर किसी ने ज़रूरी सामान रखना हो।
तो अब चलते हैं बाथरूम की तरफ। और ये अच्छा नॉर्मल साइज़ का जो है साफ़ सुथरा सा बाथरूम है, जिसमें सारा ज़रूरी सामान जो है वो रखा हुआ है, जैसे शैम्पू, कंडीशनर, सोप और टॉवल्स, और उसके अलावा भी और बहुत कुछ रखा हुआ है। और ये बाथ टब है, और ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो हैं रखी हुई हैं, और ये सब जो है डेली के डेली जो है नया रखेंगे। अभी जो है तकरीबन 2 बज रहे हैं, और हस्बैंड और मैंने सोचा है कि ज़रा होटल से बाहर निकलें और देखें कि भाई बाहर क्या हो रहा है। तो यहाँ जो है डाउनटाउन में लाइव परफॉर्मेंस इस तरह की चलती रहती हैं, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है केबल कार चलती हैं, जो कि पूरे डाउनटाउन का टूर कराती हैं। तो बस अभी हमने भी जो है केबल कार्स की टिकट्स ले ली हैं, जो कि पूरे डाउनटाउन की हमें सैर कराएगी। और इन्होंने हमें कहा है कि भाई लाइन बहुत लंबी है, जिसमें तकरीबन मतलब 45 मिनट्स लग सकते हैं। तो और ये वाली जो ट्रेन है ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चलती रहती हैं, और लोग इसमें बैठकर पूरे टाउन की सैर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट किसी ख़ास पॉइंट पर हमें ले जाती हैं, बल्कि जिसको जहाँ उतरना हो वहाँ उतर कर फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ कर भी जा सकता है। तो बस ये देख लें, ये सारी लंबी लाइन है और हम भी इसमें खड़े हो गए हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। और इसमें तकरीबन हमें जो है एग्जैक्ट 1 आवर हमें लग गया था। और फाइनली काफ़ी वेट के बाद जो था हमारी बारी भी आ गई थी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, वो इस केबल कार में ज़रूर बैठते हैं, क्योंकि ये पूरे डाउनटाउन की जो है आप लोग बैठे बैठे सैर भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप लोग रास्ते में उतर कर मतलब घूम फिर लें, और उसके बाद जो है दूसरी ट्रेन पकड़ लें। Yeah, ma'am, can you turn your backpacks to become front packs, please, for your safety? Absolutely. अच्छा, इस केबल कार की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी दुनिया का वाहिद केबल कार सिस्टम है जो कि मैनुअली ऑपरेट होता है, और यही चीज़ जो है सैन फ्रांसिस्को का आइकॉन भी है। यहाँ से सारा अल्कात्राज़ आइलैंड का जो व्यू था वो बहुत अच्छा लग रहा था, और अभी हम केबल कार से उतर गए थे। और अगर किसी जगह को सही तरह से एक्सप्लोर करना हो तो पैदल चलकर करें, तो अभी हम भी इसको पैदल चलकर मज़ीद इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं। अभी
अभी जो है शाम के 5:30 बजे हैं और अभी पैदल पैदल हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो हमें सामने जो था कुछ लोगों का हजूम नज़र आया, तो हमने सोचा कि जाकर चेक करें कि यहाँ पर ऐसी कौन सी टूरिस्ट एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर जो था काफ़ी सारे लोग आइस स्केटिंग कर रहे थे, तो हमने थोड़ी देर रुक कर इसको भी इंजॉय किया। अभी जो है काफ़ी सारी रात हो चुकी है और यहाँ पर जो है मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी, और इस वीडियो का जो पार्ट 2 है वो आप लोगों ने मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके लिए जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।